हेलो फ्रेंड्स, नॉनी कौर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंजाबी दाल चना। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सम ऑयल, एज एंड व्हेन आई यूज आई विल टेल यू। 1 कप दाल चना, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 4 कप्स वाटर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 अनियन चॉप्ड, 1/2 इंच जिंजर, 4 फ्लेक्स गार्लिक, दीज आर पुट टुगेदर, 1 टोमेटो चॉप्ड, 1/8 टीस्पून देगी मिर्च, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड एंड 1 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर चॉप्ड। अब हम कुकर लेंगे और कुकर में हम दाल डाल देंगे। और इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, टर्मरिक पाउडर डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसमें हम 4 कप्स वाटर डालेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। अब गैस ऑन करेंगे और इसको हम गैस पे रख देंगे और जब इसका स्टीम आएगा इसको हम सिम कर देंगे और 25 मिनट्स के लिए हम इसको कुक करेंगे ऑन अ स्टेडी स्टीम। देखिए इसका स्टीम निकल गया है, अब हम इसको सिम कर देंगे। अब इसको हम 25 मिनट्स के लिए स्टेडी स्टीम पे कुक करेंगे। लीजिए 25 मिनट्स हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और कुकर को उतार के यहाँ पर रख देते हैं एंड वी विल लेट द स्टीम ड्रॉप बाय इटसेल्फ। वी विल नॉट टेक आउट द स्टीम बिकॉज द दाल विल गो ऑन कुकिंग टिल द स्टीम इज देयर एंड दिस विल टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स। लीजिए 15 मिनट्स हो गए हैं और स्टीम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसको हम खोल देते हैं और आप देखिए ऐसे है। अब इसको हम अच्छी तरह से स्टर करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे, तब ये होमोजेनियस हो जाएगी। अब गैस ऑन करते हैं। और इधर हम इसको कुक होने देते हैं, बॉयल आ जाएगा तो सिम कर देंगे जस्ट फॉर 3-4 मिनट्स फ्रेंड्स, नॉट मच, जस्ट टू मेक इट होमोजीनियस। इट्स बॉइलिंग एंड वी कवर इट एंड वी कुक इट ऑन सिम फॉर अ लिटिल वाइल। और इधर हम गैस ऑन करते हैं और फ्राइंग पैन रखेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स आई एम पुटिंग सोया ऑयल बट यू कैन यूज एनी रिफाइंड ऑयल। अब इसको गर्म होने देते हैं। 2 मिनट्स हो गए हैं, अब देखिए बिल्कुल होमोजेनियस हो गई है। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम उतार लेते हैं और इसको हम डिश में डाल लेते हैं। हमने सारी दाल इस डिश में डाल दी है और अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं और इसमें हम ग्रीन चिली डालकर मिक्स कर देते हैं और देखिए इधर ये ऑयल भी गर्म हो गया है। इसमें हम क्यूमिन सीड डालेंगे और इसको थोड़ा सा टेम्पर करेंगे और गैस मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें अनियन डालेंगे
और इसमें हम जिंजर गार्लिक भी डाल देते हैं और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम टोमेटोज डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। देखिए अब ये तैयार है। अब इसमें हम देगी मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे और इसके इसको दाल के ऊपर डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम ग्रीन कोरिएंडर के साथ गार्निश कर देंगे एंड आवर दाल इज रेडी। पंजाबी दाल चना तैयार है। अब आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए।